Welcome back once again. Our today's topic is data file handling. Let us start. The data files are files that store data in computer for later use. It is stored in computer secondary storage devices such as hard disk. तो जब हमें डेटा को परमानेंटली स्टोर करना हो तो हम डेटा फाइल का यूज करते हैं। अब तक हमने जो भी देखा, जितना भी प्रोग्राम में हम डेटा यूज करते थे, वो हमारा डेटा कंप्यूटर की रैम के अंदर स्टोर होता था। प्रोग्राम के रन खत्म होते ही उसका एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाता था। तो उसको अगर परमानेंटली स्टोर करना है फॉर लेटर यूज के लिए, देन वी हैव टू यूज डेटा फाइल्स। टाइप्स ऑफ डेटा फाइल, द डेटा फाइल्स आर ऑफ टू टाइप। वैसे इसको कई बार तीन तरह का भी बोला गया है, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और थर्ड में भी CSV फाइल। तो लेट अस स्टार्ट, व्हाट इज टेक्स्ट फाइल? द टेक्स्ट फाइल इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन ASCII और यूनिकोड। द टेक्स्ट लाइंस में बी टर्मिनेटेड विद EOL करेक्टर, यानी इंटर की अपन प्रेस करा के इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट फाइल के अंदर हम जो करेक्टर अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो स्टोर होते हैं, और वह इनकोडिंग सिस्टम के रूप में हम ASCII या यूनिकोड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये जो टेक्स्ट फाइल है ये किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर देखी जा सकती है, ठीक है। दूसरा है बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल is used to store raw information that is stored in memory. The information is stored in binary format. That is not delimited for line UOL. मतलब कहने का अर्थ है, इसमें ना कोई कोमा सेपरेटेड होता है, ना कोई फुल स्टॉप होता है, ना न्यू लाइन होती है, ना टैब होता है, नथिंग। केवल रॉ फॉर्मेट के अंदर डेटा स्टोर होता है और वो डायरेक्ट बाइनरी फॉर्मेट में जाता है, ठीक है। जब हम इसको रीड करते हैं तो रॉ फॉर्मेट के अंदर ये हमें डेटा दिखाता है, हम चाहें तो इसको फिर फॉर्मेटेड वे के अंदर कर सकते हैं। स्टेप्स इन फाइल हैंडलिंग, किसी कोई भी जब आप फाइल हैंडल करोगे तो इसके लिए तीन स्टेप आपको जरूरी तौर के ऊपर परफॉर्म करनी है। पहली स्टेप है फाइल को ओपन करना, दूसरी है फाइल जो आपने ओपन कर ली इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, इनपुट आउटपुट प्रोसेस ऑपरेशन, यानी जो कुछ भी करना है फाइल के साथ वो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, और फाइनली हम फाइल को क्लोज करेंगे, क्लोज द फाइल। फाइल को ओपन करने के लिए कई तरीके हैं हमारे पास पाइथन के अंदर। जो सबसे पॉपुलर तरीका है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर हम ओपन फंक्शन का यूज करेंगे। इसके लिए हम कोई भी एक फाइल ऑब्जेक्ट ले लेंगे, और फाइल ऑब्जेक्ट लेने के बाद उसके ऊपर आपने ये लेना है, ठीक है, फाइल का नाम और फाइल का मोड। एग्जांपल के रूप में देखिए, एफ एक फाइल ऑब्जेक्ट लिया हमने, ओपन इज इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट txt, ये हमने एक फाइल ले ली और इसको राइट मोड के अंदर ओपन किया, ठीक है। अब फाइल, ये जो हमने फाइल ली है ये डिफॉल्ट जो हमारी करंट डायरेक्टरी है उसमें स्टोर होगी, ठीक है। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे फाइल को हमें स्टोर करवाना है तो हम उसका कंप्लीट पाथ दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर सपोज मान लो मैंने सी ड्राइव के अंदर एक माई डेटा फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैं स्टोर करना चाहता हूँ, तो ये इसका पूरा पाथ देना है या उसे रीड करना है तो उसका पाथ अपन इसके अंदर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ओपनिंग ऑफ फाइल का प्रोसीजर है। इसके बाद देखिए फाइल का मोड, उसमें अपन ने देखा तो टेक्स्ट मोड, टेक्स्ट फाइल हो या फिर बाइनरी फाइल हो, दोनों फाइल्स का जो मोड होता है वो तीन तरह के मोड होते हैं, आपका राइट, रीड और अपेंड, ठीक है।
अगर बाइनरी मोड में खोलनी है तो डब्ल्यू बी फॉर राइट मोड, आर बी फॉर रीड मोड और ए बी फॉर अपेंड मोड, ठीक है। और जब भी कभी हम फाइल को ओपन करते हैं तो इसमें एक फाइल पॉइंटर होता है। अगर राइट मोड में खोला है तो फाइल मोड फाइल पॉइंटर बिगिनिंग में होगा, रीड मोड में खोला है तो भी बिगिनिंग में होगा, और अपेंड मोड में खोला है तो फाइल का जो जहां डाटा एंड हो रहा है वहां पर आपका फाइल पॉइंटर होगा। अब इसके अंदर डब्ल्यू प्लस का क्या मतलब है? अगर फाइल पहले से अवेलेबल है तो एरर मैसेज शो करेगा। आर प्लस फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो एरर मैसेज करेगा। ए प्लस अपेंड मोड के अंदर फाइल खोलेगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो नई फाइल क्रिएट कर देगा। तो ये इसका प्लस का मतलब होता है, यही सिमिलर मीनिंग इसके अंदर बाइनरी मोड में भी होता है, ठीक है। क्लोज फाइल करने के लिए हमें फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज फंक्शन का यूज करना है, दैट्स इट। जैसे हमारा फाइल ऑब्जेक्ट पिछले एग्जांपल में एफ था, तो एफ डॉट क्लोज, ये फाइल आपका क्लोज हो जाता है इससे। अब फाइल के अंदर से डेटा रीड करना है हमें, रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल। तो पाइथन के अंदर रीड, रीड लाइन और रीड लाइंस, ये तीन फंक्शन हमारे पास हैं, और भी हैं फंक्शन तो, लेकिन मुख्य रूप से ये तीन फंक्शंस हैं जो फाइल के अंदर से डेटा रीड करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। इसका जो सिंटैक्स है वो, फाइल का जो ऑब्जेक्ट आपने, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आपने डेटा स्टोर करना है, इज इक्वल टू फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर आपने देना है कितनी बाइट या कितनी लाइन उसके अंदर से रीड करनी है, ठीक है। तो ये हमारा रीड डेटा फ्रॉम फाइल है। इसके बाद देखिए सैंपल प्रोग्राम टू रीड डेटा फ्रॉम फाइल। एक हमारे पास माई फाइल डॉट टी एक्स टी, इसको रीड करते हैं और इसके अंदर से जितना भी डेटा है वो हम रीड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रीड, ठीक है। एफ डॉट रीड, ये फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड है, ये फाइल से डेटा रीड होके एस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होगा और इसको हम प्रिंट करेंगे तो ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर ब्रैकेट में मैंने कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। तो ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब क्या है कि उस फाइल के अंदर जितना भी डेटा है वो सारा का सारा ये रीड कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारा रीडिंग डेटा का एक छोटा सा प्रोग्राम था, रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल। उसके बाद राइटिंग डेटा इनटू फाइल। फाइल के अंदर डेटा राइट करने के लिए भी हमारे पास पाइथन ने फंक्शंस प्रोवाइड किए हैं। इसमें एक हमारे पास राइट है, दूसरा राइट लाइंस है, ठीक है। तो राइट फंक्शन है, ये स्ट्रिंग को फाइल में राइट करने के लिए यूज होता है, और राइट लाइन है, ये पूरी लाइन को फाइल के अंदर राइट करने के लिए यूज होता है। तो इसका भी सिंटेक्स भी वही है, एफ यानी फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट ब्रैकेट में स्ट्रिंग, और एफ डॉट राइट लाइंस, और ब्रैकेट के अंदर जो भी लाइन के लिए, लाइन रीड करने के लिए जो आपने ऑब्जेक्ट लिया है वो, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसका सैंपल प्रोग्राम है, माई डेटा डॉट टी एक्स टी फाइल हमने एक राइट मोड के अंदर ओपन की है, ठीक है। और इसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग रीड करवाई है कीबोर्ड से, पूछा इंटर योर नेम, ठीक है। तो ये इंटर योर नेम जो अभी आप कीबोर्ड से नाम दोगे वो एस में स्टोर होगा, और एफ डॉट राइट फंक्शन के माध्यम से ये एस है ये फाइल के अंदर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो करंट डायरेक्टरी में नई फाइल बनेगी माई डेटा डॉट टी एक्स टी, ठीक है। तो इस वीडियो से अगला वीडियो एक बनाया हुआ है डेटा फाइल हैंडलिंग पार्ट 2, ठीक है। उसके अंदर इसमें जितने भी कोड बताए गए हैं सैंपल उसको रन करके दिखाया गया है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल पोर्शन आप उसको रेफर करें, मतलब ये वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो देखें जिससे कि आपको किस तरह से इसको प्रैक्टिकली
करना है पाइथन के अंदर, यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके, तो उसके बाद यही इसमें कुछ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो हमने बनाने हैं। तो एक हमने यही मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर CSIP4U पे एक लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है फॉर क्लास 11 12 IPCS। ठीक है, उसके अंदर जैसे जैसे मैं प्रोग्राम डेवलप करता जा रहा हूँ वैसे वैसे वो प्रोग्राम भी साथ के अंदर उस लिस्ट के ऊपर अपलोड हो रहे हैं। तो अगर कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम ही आपको देखना है तो वो आप वहां से देख सकते हैं, और टाइम टू टाइम ये लिस्ट अपडेट होती रहती, कीप वॉच ऑन इट। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, वॉच माई नेक्स्ट वीडियो, दैट इज डेटा फाइल हैंडलिंग पार्ट 2। थैंक यू वेरी मच।